जय दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द कैरियर पॉइंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से अंधेरा होने पर ही टॉर्च की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से युद्ध होने पर ही हथियार की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुचर्चित चर्चा में रहा न्यूज चैनल के एकदम सुर्खियों में बनने वाला विवाद और हमारे पेपर के फ्रंट पर छपने वाला विवाद, इजराइल हमास युद्ध के बारे में। हाँ, आज मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि क्या भारत इजराइल का साथ देगा, क्या भारत फिलिस्तीन का साथ देगा। दोस्तों, विद्यार्थी को पढ़ना क्यों जरूरी है, इस युद्ध के बारे में पेपर की दृष्टि से ये युद्ध क्यों जरूरी है, कैसे ये युद्ध हमारी जनरल नॉलेज को गेन करेगा, आखिर विद्यार्थी को इसे क्यों पढ़ना चाहिए, जानकारी की दृष्टि से ये क्यों जरूरी है, भारत किसका साथ देगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे मैं बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं पक्का बता रहा हूं, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस युद्ध के कारण भारत की बाजार व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा, मोदी जी किसके साथ जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि इजराइल की उत्पत्ति कहां से हुई, शॉर्टकट में ही सारी चीजों को आपको समझा दूंगा। समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। चलिए बताता हूं बारी बारी से। दोस्तों, बात 1948 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो लंदन में बैठे बैठे ब्रिटेन वालों ने एक फरमान जारी किया कि ये जो फिलिस्तीन है, अब ये फिलिस्तीन अकेला नहीं रहेगा, यहां पर एक वेलफेयर डिक्लेरेशन आया है जिसके कारण अब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों होगा, दोनों अस्तित्व में आएगा, दो देश बनेंगे ये, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बना उसी तरह से अब इजराइल और फिलिस्तीन होगा। सोचिए, जो देश अस्तित्व में था ही नहीं, लेकिन अब एक फरमान आने से इजराइल देश का उदय होने जा रहा है। वेलफेयर डिक्लेरेशन के बाद 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना होती है। किस देश की? इजराइल देश की स्थापना होती है। भाई, जो पहले से देश था फिलिस्तीन जाहिर सी बात है इसका विरोध करेगा, फिलिस्तीन विरोध करता रहा, लेकिन एक देश बन गया जिसका नाम था इजराइल। 14 मई 1948 को जब यह नए देश का गठन होता है, इजराइल की उत्पत्ति होती है, तो फिलिस्तीन को 48% क्षेत्रफल दिया जाता है और इजराइल को 44% क्षेत्रफल दिया जाता है। लेकिन लोग मान नहीं रहे होते, तो इस विवाद को निपटाने के लिए उसमें एंट्री होती है किसकी? यूएनओ। यूएनओ के अनुसार फिलिस्तीन को दिया गया 48%, इजराइल को दिया गया 44%, और जो कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी थी जेरूसलम, इसको यूएनओ ने अपने कब्जे में ले लिया और एक धार्मिक मुद्दा बता करके इस 8% के क्षेत्रफल पर यूएनओ ने कब्जा जमा लिया। देख रहे हैं ना, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने कैसे बाजी मारी, उसी तरह से यूएनओ की एंट्री हुई और एक देश जो कि एक संपूर्ण देश था उसमें इजराइल अलग, फिलिस्तीन अलग, और यूएनओ ने भी उसमें अपना हाथ साफ कर लिया। आगे देखते हैं, जब यह विवाद आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जैसे कि जब जब लड़ाइयां हुई, जैसे 1948 में लड़ाई हुई तो अरब देशों ने साथ दिया किसका? अरब देशों ने साथ दिया फिलिस्तीन का, लेकिन इजराइल अकेला लड़ा। लेकिन जीत किसकी हुई? इजराइल की हुई। किसकी जीत हुई? इजराइल की जीत हुई। इसके बाद से जब जब लड़ाइयां हुई, बार बार इजराइल ने फिलिस्तीन को हराया और धीरे धीरे इनका क्षेत्रफल कैसे घटा, आप देखिए 14 मई 1948 को फिलिस्तीन 48% क्षेत्रफल पर, इजराइल 44% क्षेत्रफल पे था, यरूशलेम 8% क्षेत्रफल पे था। फिर लड़ाइयां जारी रही 1948 से 1967 के बीच में, जब ये लड़ाइयां होती रही तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फिलिस्तीन बचा हुआ है, 22%। दोस्तों, 2011 जाते जाते ऐसी दशा हो गई कि फिलिस्तीन मात्र 12% क्षेत्रफल पर बचा। अब आप समझ रहे हैं, जब बंटवारा हुआ था तो फिलिस्तीन को इस तरह से बांटा गया था कि कुछ जमीन इधर कुछ जमीन उधर। आइए दिखाते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग फिलिस्तीन इजराइल को देखें तो भारत के पश्चिम में एशिया के अंतिम छोर के अंत में एक देश था पहले जो फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल दो देशों में विभाजित हो गया। और इन दोनों देशों की ही राजधानी की बात करें तो एक ही राजधानी है, यरूशलेम, जिसके ऊपर विवाद हमेशा होता रहता है। और
शुरू में तो फिलिस्तीन काफी जगहों पर था, ज्यादा क्षेत्रफल पे था और इजराइल कम क्षेत्रफल पे था, लेकिन युद्ध होने के बाद ये सिकुड़ सा गया है, केवल 12% क्षेत्रफल पर बचा हुआ है। उसी का एक क्षेत्र है गाजा पट्टी, जो कि सिकुड़ से छोटे से एरिया में रह गया है। यही गाजा पट्टी के क्षेत्र में हमास नामक आतंकवादी संगठन का कब्जा है। एक हमास क्या है, आइए बताता हूँ आपको। हमास क्या है, एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो कि गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास गाजा को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास 2007 से शासन कर रहा है। हमास का हमेशा से ही रवैया जो रहा है उग्र रहा है, छोटी छोटी बात पे मिसाइल दाग देता है। उसे लगता है कि इजराइल को आसानी से हरा दूंगा, जो कि ऐसा कुछ एक खिलवाड़ है। जितनी बार लड़ाइयां हुई है उतनी बार फिलिस्तीन ने अपनी जमीन को खोया है। आज दशा ये है कि 12% पे पहुंच गए हैं। अगर ये सब नहीं करे और इसी पर सुलह कर ले तो इनके लिए ज्यादा बेटर होगा, लेकिन इनका डिमांड है कि हमको पहले की तरह 48% क्षेत्रफल दे दिया जाए, जो कि अब आज के समय में तो ये संभव नहीं है। इतने युद्ध लड़ने के बाद जब उन्होंने जीता है तो वो जल्दी वापस करेंगे नहीं। आइए बताता हूं आपको कि वर्तमान समय का सिनेरियो क्या कहता है कि फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद अब्बास, जो कि आज के समय पेपर की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्बास, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद सत्ते, और कहा जाए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है इसाक हर्ज़ोग है, और इजराइल की मुद्रा जो है न्यू सेकेल या इजरायली सेकेल के नाम से जानी जाती है। एक इजरायली सेकेल बराबर 21 रुपए के होता है। दोस्तों आप हमेशा से ये चाह रखते होंगे कि भारत किसका साथ देगा। आपको मैंने बताया ना कि जो फिलिस्तीन है इसके साथ अरब देश है, और अरब देशों के साथ भारत तेल खरीदता है, तेल का व्यापार भारत का अरब देशों के साथ है। अगर भारत खुल के इजराइल के साथ चला जाता है तो अरब देश हमको तेल नहीं देंगे, और अगर हमको अरब देश तेल नहीं देते हैं तो हमारे देश में तेल अगर दूसरे देशों से परचेस किया जाएगा तो तेल का दाम बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे कि भारत में महंगाई बढ़ने लगेगी अचानक से, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो जाएगा। तो भारत को मध्यस्थता निभानी चाहिए, ना इजराइल का साथ देना चाहिए ना फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। ये मेरे हिसाब से कि भारत इसमें से किसी का साथ नहीं देगा, दोनों के साथ रहेगा वो। और इस युद्ध के कब ये युद्ध समाप्त होगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर युद्ध नहीं होंगे तो हथियार बिकेंगे, और हथियार बेचना है तो युद्ध कराना ही होगा। तो जितने भी बड़े देश हैं जो कि युद्ध में हथियार बेच बेच करके काफी भारी मात्रा में पैसा कमाते हैं, वो तो चाहते हैं कि युद्ध होता ही रहे। तो युद्ध जब तक दुनिया है तब तक युद्ध होते रहेंगे, हथियार बिकते रहेंगे। अगर बेवकूफ ज्ञानी हो जाए तो युद्ध बंद हो सकता है। इसका यही एक उपाय है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, भाई देखो जो बचा है उसमें संतुष्ट रहो, आगे की चाह के चक्कर में जो आपके पास है उसे भी मत गवा दो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल हमास युद्ध क्या हो रहा है, हमास क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन की राजधानी, दोनों की राजधानी जेरूसलम है जो कि यूएनओ के कब्जे में है इस समय, यूएनओ का अधिकार है। कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई है, सारी घटनाओं को मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।